बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। होप सो ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ डिवीजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिवाल। आई एम मोहम्मद मदनी, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मैथमेटिक्स एट डिवीजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिवाल। Let's start our math lecture, lecture number 10 of class 7. Chapter number 1 and the name of chapter is sets. Contents are difference of two sets. Difference of two sets mein hum exercise number 1.3 question number 4 ke first 4 part karenge. यूनिवर्सल सेट एंड कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, इसमें हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को देखेंगे। प्रीवियस नॉलेज, इन प्रीवियस नॉलेज वी हैव लर्न्ड अबाउट डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, यूनिवर्सल सेट एंड कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डेफिनेशन। Consider A and B are two sets. Then A difference B is the set of all the elements of set A which are not the elements of set B. It is written as A difference B or A difference B. Similarly, B difference A is the set of all those elements of set B which are not the elements of set A. It is written as B difference A or B difference A. Example is, if set A consisting of elements 1, 3, 6 and set B consisting of elements 1, 2, 3, 4, 5, then find A difference B and B difference A. Solution: A difference B. First of all, हम इसमें set A के elements को लिखेंगे, difference का sign लगाएंगे, फिर set B के elements को लिखेंगे. Dear students, इस example में हमने A difference B find करना है, और A difference B एक ऐसा set होगा कि जो सेट ए के उन तमाम एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होगा कि जो सेट बी का एलिमेंट्स ना हो, और वो कौन सा एलिमेंट है? 6. जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, 6 सेट ए का एक ऐसा एलिमेंट है कि जो सेट बी का एलिमेंट नहीं है, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट वन इज बी डिफरेंस। इसमें सबसे पहले हम सेट बी के एलिमेंट्स लिखेंगे, डिफरेंस का साइन लगाएंगे, और फिर सेट ए के एलिमेंट्स को लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल में हमने बी डिफरेंस ए को फाइंड करना है, और बी डिफरेंस ए एक ऐसा सेट होगा कि जो सेट बी के उन तमाम एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होगा कि जो सेट ए के एलिमेंट्स ना हो, और वो कौन से हैं? 2, 4, 5। यूनिवर्सल सेट। Definition is a set which contains all the possible elements of the sets under consideration is called the universal set. For example, the universal set of the counting numbers means a set that contains all possible numbers that we can use for counting. To represent such a set, we use the symbol U. Universal set को denote करने के लिए हम capital U का इस्तेमाल करते हैं, and read as universal set. That is the universal set of counting numbers, which is U is equal to 1, 2, 3, up to so on. Complement of a set. Definition is, consider
a set B whose universal set is U, then the difference set U difference B is called the complement of set B, which is denoted by B. B के ऊपर आप छोटा सा C लिखेंगे तो इसे क्या पढ़ेंगे, B complement. So we can define the complement of a set B as B complement is a set which contains all those elements of universal set which are not the elements of set B. That is, B complement is equal to U difference B. यानी B complement एक ऐसा सेट होगा कि जो यूनिवर्सल सेट के उन तमाम एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होगा कि जो सेट B के एलिमेंट्स ना हो. आइए इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं. That is, आपके पास एक सेट U दिया गया है, यूनिवर्सल सेट, जिसके एलिमेंट्स क्या है, 1, 2, 3, up to 10 तक. सेट B दिया गया है, उसके एलिमेंट्स क्या है, 1, 3, 7, 9. Then B complement is equal to U difference B. U के एलिमेंट्स लिखेंगे, डिफरेंस का साइन लगाएंगे, फिर सेट B के एलिमेंट्स लिखेंगे. Dear students, इस एग्जाम्पल में B complement यूनिवर्सल सेट के उन तमाम एलिमेंट्स पर मुश्तमिल एक ऐसा सेट होगा कि जो सेट B में मौजूद ना हो. और वो कौन से एलिमेंट्स होंगे, 2, 4, 5, 6, 8, 10. ये यूनिवर्स सेट के वो एलिमेंट्स हैं कि जो सेट B में मौजूद नहीं है. विच इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट. एक्सरसाइज नंबर 1.3. क्वेश्चन नंबर 4 इज, इफ सेट U कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स 1, 2, 3, up to 16, कहां तक जा रहा है ये, 20 तक, एंड सेट A कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स 1, 3, 5, up to 19. 1 से लेकर 19 तक और नंबर दिए गए हैं. एंड सेट B कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स 2, 4, 6, up to 16, ये कहां तक जा रहा है, 20 तक. सेट B 2 से लेकर 20 तक इवन नंबर्स दिए गए हैं. देन प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट इज B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A, सेकंड पार्ट इज A complement is equal to B, third part is A difference B is equal to A, and fourth part is B difference A is equal to B. आपने ये prove करना है. Solution of first part is B complement is equal to A. Then B complement is equal to क्या होगा, U difference B. U के elements लिखेंगे, difference का sign लगाएंगे, set B के elements लिखेंगे. डेयर स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल सेट U में 1 से लेकर 20 तक तमाम एलिमेंट शामिल हैं, जबकि सेट B में 2 से लेकर 20 तक इवन नंबर दिए गए हैं. तो इसमें B का कॉम्प्लीमेंट डेट इज U डिफरेंस B क्या होगा, 1, 3, 5, up to 16, कहां तक जा रहा है ये, 19 तक, विच इज इक्वल टू सेट A, जो कि सेट A के एलिमेंट्स दिए गए हैं. और यही हमने प्रूफ करना था, हेंस प्रूव. सेकंड पार्ट इज A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू B, हमने ये शो करना है. एज वी नो दैट A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U डिफरेंस A, फर्स्ट ऑफ ऑल U के एलिमेंट्स लिखेंगे, डिफरेंस का साइन लगाएंगे, सेट A के एलिमेंट्स लिखेंगे. डियर स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल में यूनिवर्सल सेट U जो कि 1 से लेकर 20 तक तमाम एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, उसमें से सेट A के 1 से लेकर 19 तक और नंबर्स दिए गए हैं. तो इसका डिफरेंस क्या होगा, 2 से लेकर 20 तक इवन नंबर्स का सेट, डेट इज 2, 4, 6, up to 20, विच इज इक्वल टू B, जो के सेट B दिया गया है, हेंस प्रूफ. और यही चीज हमने प्रूफ करनी थी. थर्ड पार्ट इज आपने इसमें क्या प्रूफ करना है, A डिफरेंस B इज इक्वल टू A. सॉल्यूशन इज,
ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू सेट ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, डिफरेंस का साइन लगाएंगे, सेट बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमने ए डिफरेंस बी फाइंड करना है और ए डिफरेंस बी एक ऐसा सेट होगा कि जो सेट ए के उन तमाम एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होगा कि जो सेट बी का एलिमेंट ना हो। और वो कौन से एलिमेंट्स होंगे? 1, 3, 5, up to 19 जो कि हमारे पास सेट ए है और यही चीज हमने प्रूफ करनी थी। हेंस प्रूव। फोर्थ पार्ट इज बी डिफरेंस इज इक्वल टू बी, हमने ये चीज शो करनी है। सॉल्यूशन इज बी डिफरेंस ए मींस, सबसे पहले आपने सेट बी के एलिमेंट्स लिखने हैं, डिफरेंस का साइन लगाएंगे, फिर सेट ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमने बी डिफरेंस ए को फाइंड करना है और बी डिफरेंस ए एक ऐसा सेट होगा कि जो सेट बी के उन तमाम एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होगा कि जो सेट ए के एलिमेंट्स ना हो। और वो कौन से एलिमेंट्स होंगे? 2, 4, 6, up to 20 जो कि हमारे पास कौन सा सेट दिया गया है? सेट बी। और यही चीज हमने क्या करनी थी? प्रूफ करनी थी। हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ u इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड w इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर देन फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट w। सॉल्यूशन, हमें क्या दिया गया है? u इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स और सेट ऑफ इंटीजर में कौन से एलिमेंट शामिल होते हैं? 0, ±1, ±2, ±3 इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, जबकि जीरो भी इसमें शामिल होता है। नेक्स्ट सेट इज w इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स और सेट ऑफ होल नंबर्स में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? 0, 1, 2, 3, up to so on देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट w इज इक्वल टू wc विच इज इक्वल टू u डिफरेंस w। फर्स्ट ऑफ ऑल हम u के एलिमेंट्स को लिखेंगे, डिफरेंस का साइन लगाएंगे, फिर हम सेट w के एलिमेंट्स लिखेंगे। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, इसमें जीरो और तमाम पॉजिटिव नंबर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और सिर्फ कौन से एलिमेंट्स रह जाएंगे? नेगेटिव नंबर्स, दैट इज -1, -2, -3, up to so on। क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ यू इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड पी इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स देन फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पी। सॉल्यूशन, गिवन u इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच इज इक्वल टू 1, 2, 3, up to so on p इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स और सेट ऑफ प्राइम नंबर्स में कौन से एलिमेंट शामिल होते हैं कि जो 1 और अपने आप के अलावा किसी नंबर पर डिविजिबल ना हो। और वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 आगे कौन सा एलिमेंट आएगा? 19, up to so on देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पी इज इक्वल टू पी कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू यू डिफरेंस पी। सेट यू के एलिमेंट्स लिखेंगे, डिफरेंस का साइन लगाएंगे, फिर सेट पी के एलिमेंट्स लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आंसर होगा? 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, up to so on असाइनमेंट। डियर स्टूडेंट्स, आपको एक असाइनमेंट दी जा रही है कि जिसको आप इस लेक्चर की मदद से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। डेट इज इफ यू इज इक्वल टू 1, 2, 3, up to so on 12 तक आपके पास ये नंबर्स दिए गए हैं एलिमेंट्स की सूरत में एंड सेट ए कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स 2, 3, 5, 7, 11 एंड सेट बी कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स 2,
2, 4, 6, 8, 9, 10. Then find first part is A complement and B complement. Second part is A difference B and B difference A. Dear students, आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है. उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा. विश यू बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.